प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। डीजे सर, देखें यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं इस महत्वपूर्ण सेशन में, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और यदि प्री बोर्ड में आप बैठना चाहते हैं, बोर्ड में बैठना चाहते हैं, तो आपके लिए ही है आज का ये सेशन। और यूपी बोर्ड हिंदी का कक्षा 10 का, देखिए 2024 का ये लेटेस्ट मॉडल पेपर है। यदि इस पेपर को आप लोग देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों के दिमाग से 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन का डर तो निकल जाएगा एकदम। और निश्चित तौर पर आपने एग्जामिनेशन में जो है अपना बेस्ट जरूर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को हम, और बनाते हैं इसे आप सभी लोगों के लिए खास। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की इसमें श्रृंखला एडिशंस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और इसे अपने क्लासमेट पर फटाफट शेयर कर दीजिए। हिंदी कक्षा 10 2024 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। चेयरेशन बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए कैसे किस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, 20 अंक तो आप लोग जानते हैं कि OMR तो आप लोग को करना होता है, बहुविकल्पी वाले होते हैं। उसके बाद 50 अंक के जो होते हैं वो वर्णात्मक प्रश्न होते हैं, और जबकि 30 नंबर जो होता है आपका प्रैक्टिकल होता है। तो करते हैं हिंदी के इस महत्वपूर्ण पेपर की शुरुआत बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को पहचान कर लिखना है। तो इसमें बताना है कि जो कथन सही होगा उसे क्या करना है, टिक करना है सही का, और जो गलत है उसको गलत का टिक करना है। देखिए क्वेश्चंस, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, पहला विकल्प नंबर अ, राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। ठीक है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। देखिए राजकुमार वर्मा जी को जो है वो मुख्य रूप से एकांकी ग्रुप में याद किया जाता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, ये बात जो होगा वो आपका कथन गलत है। क्या हो जाएगा क्वेश्चंस, ये कथन जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा आप सभी लोगों का। ठीक है ना, वह प्रश्न क्यों ना बढ़ते हैं, किन्नर देश में के लेखक कौन है, राहुल शांकृत्यायन जी है। किन्नर देश में के, देखिए किन्नर देश में जो ये रचना लिखी गई है, तो के लेखक कौन है, राहुल शांकृत्यायन जी है। क्या ये बात कैसी है, तो ये जो ऑप्शन आपका होगा रिसर्च से विकल्प नंबर ब वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सह प्रश्न क्यों ना बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचक और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये कथन भी जो होगा डिस्टेंस वो करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी को जानते हैं आप सभी लोग कि वो आलोचक के रूप में इनका बहुत ही सराहनीय रूप से इनका नाम लिया जाता है। द विकल्प की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए द विकल्प क्या है आप लोगों का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कवि एवं कहानीकार है, तो ये बात क्या है, रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है ना, भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये राइट प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के जो है जनक थे, ये बात एकदम सत्य है। जब प्रश्न की हम बढ़ते हैं, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन, और ये राइट है। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती, ये भी पूछता है आप लोगों से। और यहाँ पर तो देखिए बकायदे लिख दिया गया है कि बताया गया कि के कौन सी विधा है, तो गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती जी की, और ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं, गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। जब प्रश्न क्यों जब पढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, तो ये भी जो प्रश्न का होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। जब प्रश्न क्यों पढ़ते हैं, संस्कृति के चार अध्याय के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो संस्कृति के चार अध्याय के जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये बात एकदम सत्य है। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलें। उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जब भी मुंशी प्रेमचंद जी का नाम दिख जाए तो सम्राट के रूप में, उपन्यास के सम्राट के रूप में मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो नाम है वो सर्वोपरि लिया जाता है, तो दूसरे का विकल्प नंबर ब जो होगा बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों जो बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, प्रेमचंद्र, राजेंद्र यादव, तो देखिए मुंशी प्रेमचंद यानी प्रेमचंद्र जी जो थे वो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ठीक है ना, तो तीसरे का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों जो बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो चौथा देखिए प्रश्न इन लोगों का क्या है, शुक्ल युग का नामकरण एवं समयावधि किस विद्वान के नाम पर किया गया। प्रश्न को ध्यान सुनिए, शुक्ल युग का नामकरण एवं समयावधि किस विद्वान के नाम पर किया गया। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या कौन है, चार है।
तो यहाँ पर देखिए ऑडिशन यहाँ पर जो किया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ये किया गया है। मैं देखिए अब यहाँ पर जो होगा ये सन भी दिया गया यहाँ पर 1918 से 1938 ईस्वी तक। मैला आंचल या ध्रुव सामनी के रचनाकार कौन है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पहला जो रचना दिया गया इसमें मैला आंचल, तो मैला आंचल के जो रचनाकार हैं वो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। यानी मैला आंचल के जो रचनाकार हैं, मैला आंचल के रचनाकार जो हैं वो कौन हो जाएंगे? फणीश्वर रेणु जी हो जाएंगे, ठीक है। जबकि ध्रुव स्वामी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, वो किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाएगी। तो पांचवे का देखिए दो प्रश्न है यहाँ पर इसमें, तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जबकि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। छठवें पॉइंट प्रश्न क्यों ना देखिए बढ़ते हैं जब यहाँ पर, तो तार सप्तक, देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और हिंदी के अगर आप बनते हैं सेट, जितने भी सेट बनाए जाते हैं उसमें किसी न किसी सेट में ये प्रश्न हमेशा डाला जाता है। तो यहाँ पर जो होगा सन 1943 ईस्वी जो ईस्वी जो होगा, यानी सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। सातवें पॉइंट प्रश्न की मुझे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक युग की मीरा के रूप में जो है वो महादेवी वर्मा जी का नाम जो होता है वो सराहनीय रूप से लिया जाता है। तो ये आपका होगा सातवें का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए आठवें प्रश्न की ओर। देखिए आठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। साकेत या गंगा लहरी या प्रिय प्रवास या राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आठवें प्रश्न है, इस आठवें प्रश्न में जो है एक दो सवाल नहीं बल्कि आपके टोटल जो है चार सवाल जो है कवर होने वाले हैं, ठीक है ना। तो साकेत देखिए जो है साकेत, तो साकेत किसकी रचना है? साकेत जो हो जाएगा वो मैथिली सरल गुप्त जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मैथिली सरल गुप्त जी का हो जाएगा, ठीक है। और मैथिली सरल गुप्त जो है वो हमारे देश के राष्ट्र कवि भी हैं, यानी भारत के राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली सरल गुप्त जी को याद किया जाता है। गंगा लहरी देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया सेकंड जो है आप लोगों का गंगा लहरी है, तो गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? तो गंगा लहरी के जो रचनाकार है वो उनका नाम जो है वो क्या हो जाएगा? पद्या कार की है, यानी पद्याकार की जो रचना है ये कौन है? गंगा लहरी। प्री प्रवास के रूप में अगर याद किया जाए तो प्री प्रवास जो होता है देखिए ये प्री प्रवास जो है वो किसका है? प्री प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। प्री प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, ठीक है। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। कौन? प्री प्रवास नाम की जो रचना है। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए एक प्रश्न के अंदर कितने प्रश्न हो गए टोटल आपके? चार प्रश्न। साकेत के रचनाकार मैथिली सरगुप्त, गंगा लहरी किसके रचनाकार कौन है? पद्याकार। प्री प्रवास किसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो गए। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग, और देखते हैं नवे प्रश्न को। देखिए नवा हम लोग का प्रश्न क्या है? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां इनमें से कौन सी हैं? तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कुंठा और निराशा, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तन परिवर्तित दृष्टिकोण, रीति ग्रंथों का निर्माण। तो ये श्रृंगार और प्रेम वेदना जो होता है क्वेश्चन ये है छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। कौन है? श्रृंगार और प्रेम वेदना, श्रृंगार और प्रेम वेदना जो है। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग दसवें प्रश्न की ओर। देखिए दसवां हम लोग का प्रश्न क्या है? दसवां जो प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें भी चार प्रश्नों को कवर किया जाएगा। लोकायतन देखिए, लोकायतन ये है, बहुरी अकेला या आंगन के पार द्वार या यशोधरा किसकी रचना है? देखिए पहला अगर देखा जाए लोकायतन जो रचना है वो महत्वपूर्ण रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी का है। यानी लोकायतन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगी। बहुरी अकेला अगर पूछा जाए आपसे कि बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है, ये हैं अशोक वाजपेयी जी। कौन है? अशोक वाजपेयी जी। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचनाकार के बारे में अगर देखा जाए तो ये हैं अज्ञेय जी। कौन है इसमें? अज्ञेय, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अज्ञेय जी हो जाएगा। तो आंगन के पार द्वार अज्ञेय, और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है?
सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चौथे पॉइंट प्रश्न क्यों मुझे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो यशोधरा, यशोधरा के जो रचनाकार हैं वो मैथिली सरल गुप्त जी हैं और हमारे देश के राष्ट्रकवि भी हैं, यानी भारतवर्ष के राष्ट्रकवि जो हैं वो मैथिली सरल गुप्त जी हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ी संघर्षों में आपका वीडियोस बनाया जा रहा है। देखिए हम लोग का थोड़ा मुस्लिम बहुता क्षेत्र जो है ये सभी लोग का मिला जुला है और यहाँ पर जानते हैं कि पावलूम वगैरह जो होता है चीजें चल रही हैं इस समय। देखिए लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेनें जाती हैं, शोर होता है, शोरगुल भी उधर हो रहा है, ट्रेनें जा रही हैं वो अलग तबाही मचाई हुई है, पावलूम चल रहा है रातों दिन वो अलग शोर मचाया हुआ है, लेकिन चलिए इसी में हम लोग भी चल रहे हैं, चलते रहिए आप लोग। बिहारी का काव्य शैली है, बिहारी की काव्य शैली कौन सी है, मुक्तक है, प्रबंध है, खंड काव्य है, ये सभी है। ये 11वां प्रश्न हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए 11वें का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, मुक्तक। तो बिहारी की काव्य शैली कौन सी है, मुक्तक काव्य शैली है, कौन सी काव्य शैली है, मुक्तक। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए करुण करुण रस का, देखिए करुण करुण या करुण या हास्य का स्थायी भाव क्या है, करुण तो करुण रस का बताइए स्थायी भाव को, स्थायी भाव क्या है बताइए, करुण रस का करुण करुण का स्थायी भाव क्या कहा जाएगा आपको बताइए, और हास्य का तो हास का क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा, करुण का क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, तो करुण का क्या हो गया, शोक हो गया, और हास्य का स्थायी भाव हास हो जाएगा, हसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दो प्रश्न है, देखिए करुण हो गया यहाँ पर तो शोक, और अगर हास्य हो गया तो हास हो गया। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का, दो प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। 13वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब हम बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद बोलते हैं उसे हम लोग। जैसे कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, ये तो आपका हो जाएगा, जो ये आपका दोहा हो जाएगा, लेकिन जब आपने सुना है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी, तो इसे हम लोग कहेंगे सममात्रिक छंद है ये। क्या है, क्योंकि प्रत्येक चरण में जो है वो 16-16 मात्राएं हैं, प्रत्येक चरण में क्या होता है 16-16 मात्राएं, जैसे रोला जैसे हो गया तो भी क्या होता है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं उसमें, तो वो भी आपका हो जाएगा सममात्रिक छंद, मतलब प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, तो 13वें का यहाँ विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 14वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर अनुपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14वें का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15वें पॉइंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 15वां देखिए प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, 15वां प्रश्न है पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये कौन से समास के अंतर्गत देखने को मिलता है। देखिए सीधा सीधा हो जाएगा आपका द्विगु समास, जैसे कहा चवन्नी अठन्नी चौराहा त्रिमुहानी, ठीक है ना, पचमेल पंच, तो ये सभी चीजें जो पचन्नी, देखिए पूर्व पद संख्यावाचक हो, जैसे कहा गया चौराहा चार राहों का समूह, तो चौराहा चार आ रहा है उसमें, तो उसको कहा जाएगा द्विगु समास, यानी इसका पहला पद क्या होता है संख्यावाचक होता है। ठीक है ना, तो 15वें का सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 16वें प्रश्न के बोलते हैं शिकारी का बाण हिरण को लगा, रेखांकित का पर्यायवाची क्या होगा, देखिए शिकारी का बाण किसको लगा, हिरण को लगा, तो शिकारी का बाण जो हिरण को लगा तो रेखांकित का पर्यायवाची क्या होगा 16वें प्रश्न में, तो 16वें का विकल्प नंबर ए होगा करेक्ट यहाँ पर शर। ठीक है, बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं 17वें प्रश्न को, देखिए 17वां हम लोग का प्रश्न क्या है, यहाँ शामिल किया गया है जो युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति का एकवचन रूप कौन है, तो यहाँ पर 17वें का विकल्प नंबर जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा सी त्वई, क्या हो जाएगा त्वई। 18वें प्रश्न क्यों जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं, तो 18वें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जब वाक्य के भाव की प्रधान होता है, जब वाक्य के भाव की प्रधान होती है तब वाच्य होता है, कैसा होता है कर्मवाच भाववाच कृतवाच इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है भाववाच्य, तो 19वें का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20वें प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर तो तस्मय तद शब्द के किसी व्यक्ति और वचन से संबंधित है, तो 20वें का जो राइट प्रश्न हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थी का ये एक वचन है, चतुर्थी का क्या है एक वचन ये होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर खंड ब में हम लोग बढ़ते हैं और वर्णात्मक प्रश्न की ओर, जिसमें देखिए यहाँ पर कहा गया कि 50 अंक यहाँ जो है वर्णात्मक भाग से आपके लिए हैं और 20 बहुविकल्पी श्रृंखला जो है वो समाप्त हो गई, इसको आपको ओएमआर पर भरना था। देखिए आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है,
उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के ग्रो में होता ही रहेगा। तो देखिए डिस्टेंस, इसको बताना है यहाँ पर कि कौन से पद से लिया गया, कौन से गद्य रेखांकित व्याख्या करना है यहाँ पर, और विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए देखिए दूसरा भी पैरा है, इस पैरा को फोटो फोटो मार लीजिएगा यहाँ पर, देखिए स्क्रीनशॉट मार के इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा देखना चाहते हैं डिस्टेंस, देखिए तो ये सभी जो पैरा है ये, अब चलिए देखिए यहाँ पर जब पढ़ेंगे आप आगे, तो हिंदी के देखिए पद्यांश में जब पढ़ते हैं, पुरते निस्सी रघुबीर वधु धरी धीर दए मगमे डगद्वे, जल की भरी भाल कनी जल की पुल पुट सुखी गए मधुरा धर्वे। तो यह भी आप लोग का इसके अथवा में भी दिया गया, देखिए ना यहाँ पर इन सभी का काव्य वाले से भी देखकर पूछा गया है, ये कुछ महत्वपूर्ण है जो इसमें को भी आप लोग देखिए स्क्रीन शॉट मार के इनको तैयार कर लीजिएगा। इतना यदि आपका तैयार होता है तो हिंदी का आप छूटेगा नहीं आपका। जब देखिए हिंदी का समाप्त होता है गद्य और काव्य के पारी, तो यहाँ पर संस्कृत का स्टार्ट होता है, यानी संस्कृत जो है, संस्कृत दिग्दर्शिका जो है वो भी अपना तांडव मचाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से वो है, तो इस पैरा को भी देख लीजिएगा आप लोग, तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पर कुछ पैरा है, इन सभी यम नगरी विभिन्न धर्मस्थली, यहाँ देखिए ये हो गया वाराणसी सुविख्यात, देखिए हो गया एवा नगरी भारतीय, देखिए ये सब जो पैरा है बहुत ही महत्वपूर्ण और भारतीय संस्कृति वाला भी जो है, ये चारों पैरा तो जरूर देखकर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र छल श्रुतां अभ्योदा बहो, देखिए यहाँ पर श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है यहाँ पर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, यहाँ पर ये वाला भी दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोग का ना, ये सबको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है पठित अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर देना है, मुक्तिदूत हो गया, ज्योति जवाहर हो गया, अग्र पूजा हो गया, ठीक है ना, मेवाड़ मुकुट हो गया, जय सुभाष हो गया, मातृभूमि के लिए कर्ण की बात हो गई, करमवीर भरत की बात हो गई, ठीक है ना, तुमुल खंड काव्य हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर गद्य लेखक की बात हो गई और कवि की बात हो गई, किसी एक का जीवन परिचय देना है आप लोगों को, ठीक है, और एक पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक जो कि इस सेशन में न आया हो, मतलब इस पेपर में न हो। आगे जब बढ़ते हैं तो किसी एक विषय पर प्रश्न पत्र लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना, रोडवेज में रखने अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में बताते हुए अपनी दादी जी को एक पत्र लिख रहा है, और कुंज निवास कानपुर में रहने वाले अभिषेक हैं, अपने बड़े भाई को विवाह में सम्मिलित होने पर एक निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो देखिए इन सभी को देख लीजिएगा या किसी एक को इस पर तैयार कर लीजिएगा, फीस माफी के लिए, विद्यालय में खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है ना। ये संस्कृत के प्रश्न उत्तरों को देख लीजिए डिस्टेंस, ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, वाराणसी जो है संस्कृत भाषाया ना, विविधा भाषाया संस्कृत, कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, कूपा किमर्थम दुखम अनुभवति। तो ये देखिए पूरा का पूरा प्रश्न है, न्यायाधीश चंद्रशेखर कथम अडंदयत, चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत, ये पूरा देख ले, पूरा राजा का आसित वीर केन पूजत, वीर वीरण पूजते, बहुत ही पॉपुलर है ये क्वेश्चन, देखिए 15वां वाला जो है। तो इन प्रश्नों को भी आप लोग एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, ठीक है ना, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, दानेन का वर्धते, ठीक है, ये हो जाएगा आपका संस्कृत का। जब आगे बढ़ते हैं डिस्कस, यहाँ पर देखिए 10वें प्रश्न की ओर, तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ठीक है, और जितने यहाँ पर दिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है। यदि इतना को आपने देख लिया डियर्स, तो निश्चित तौर पर आप छोड़ेंगे नहीं और आप अपने पेपर को पूरे अच्छे से करके निश्चित तौर पर जरूर आएंगे, ठीक है। और ये सेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा, यदि ये आठों आप देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, खास तौर पर देखा जाए तो ये पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण, एकदम बहुत जबरदस्त है ये। शिक्षा में खेलकूद का स्थान थोड़ा इसको हम लोग डाउन रख सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण में स्वास्थ्य या पर्यावरण सुरक्षा, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आना फिक्स है। राष्ट्रीय एकता एवं या देश प्रेम, ये भी है इंपॉर्टेंट। भ्रष्टाचार की समस्या, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखा जाए इसमें तो देखिए विज्ञान के बढ़ते चरण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है, और वृक्षारोपण का महत्व। तो इन सभी को आप लोग एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा डिस्टेंस, और निश्चित तौर पर ये जो है आप लोगों को लाभान्वित जरूर करेगा। डिस्टेंस आज के महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर।